कौशर भाई कैसे चिकन चंगेजी बनाते हैं, इनका पूरा दिखा दीजिए। वो सब तैयार है वहाँ पे, क्या क्या डालना है मसाला सारा तैयार है। हाँ, इसमें प्याज लहसुन दिखाइए जरा सा, प्याज लहसुन अदरक अदरक का पेस्ट डल गया इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल दीजिए। अच्छा, दिखाइए जरा मसाला क्या क्या, जरा बताइए पहले क्या क्या डालना है। सर ये जयबित्री की फूल है, ये छोटी इलायची है, और ये जो लौंग है ये बड़ी इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता, और ये हर्रा है, ये सारे साबुत डल जाएगा। साबुत डलेगा ना अभी? हाँ। अभी ये पिसा हुआ नहीं डलेगा? अभी पिसा हुआ नहीं डलेगा सर। तो साबुत आपने डालिया? ये सारा साबुत डलेगा सर इसमें। ओके, ताकि इसकी जो पावर है और खुशबू है सारे मसाले में बेहतरीन से आ जाए। ये पहले नहीं डालना है। हम लोग क्या करते हैं ना कि मसाला में फ़ौरन डालते हैं तो फ़ौरन में सारा जल जाता है। हाँ, वो जल जाता है, उसको बेकार हो जाता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं। मैं भी खाने में हर समय ऊपर से डालता हूँ, ये वो आधा पक जाए कम से कम, जिससे खुशबू आ जाए और उसका जो मेडिसिन वैल्यू है है ना, वो बना रहे। तो आज चिकन चंगेजी बनाते बनाते मैं और कौशर भाई बात करने जा रहा हूँ इंस्पायरिंग स्टोरी पे। कौशर भाई इतने समय से हम इनसे मिलते हैं और इतना शानदार आदमी है कि जब भी आप मिलेंगे बात करेंगे तो गप मारते मारते जो है आपका पूरा बातचीत करते करते समय निकल जाता है। लेकिन आज मैंने इंगेज किया हुआ पूरा कि गप शप भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे और कौशर भाई के बारे में जानेंगे। पिछले एपिसोड में इन्होंने बताया था कि बेगूसराय के रहने वाले हैं और कॉमरेड थे, कॉमरेड ट्रेनिंग जी, सत्तार सरपंच साहब थे। हाँ, और मंदा मुसलमान। हाँ, बिरादरी साथ हैं। हाँ, तो कौशर भाई पहले नौकरी करते थे? नौकरी क्या, नौकरी तो प्राइवेट में तो मजदूरी ही होता है। बिल्कुल मजदूरी थे हम, मजदूरी प्रवासी मजदूर। हाँ, जो भी काम मिल जाता था अपने पेट चलाने के लिए उस काम को करता था। और कौशर भाई एक फैक्ट्री चलाते हैं, क्या क्या करते हैं तब तक चिकन चंगेजी ही बनते रहेगा और कौशर भाई के बारे में बात भी करेंगे। और आपको ज़रूरत होगा इनका नंबर मैं डाल दूँगा कि जो बनाते हैं आपको ज़रूरत हो बेहतर प्राइस में कौशर भाई आपको प्रोवाइड करेंगे कम से कम। जी बिल्कुल, कम से कम हमारा जो है ऑटो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का काम है, लेबर जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, कोई भी आदमी जो है अपना डाई ला के दे देता है मुझे, जो फर्मा कह ले डाई कह ले, और वो जो है मटेरियल देता है, मैं उसको तैयार करके ऑलरेडी पीस दे देता हूँ। आप तैयार करते हैं, लेबर पावर लगाते हैं? हाँ, लेबर पावर लगाते हैं हम, और लगा करके उनको देते हैं पीस रेट से, हमें जो है उसका बेनिफिट पैसे मिलता है। और ये प्लास्टिक का काम जो, इसके बगैर आप किसी भी ज़िंदगी के अंदर जो है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है। मैं बिहार का निवासी हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर जो है यहाँ लाखों के लाख लोग प्लास्टिक का काम कर रहे हैं, मगर यही हम लोग को अगर सुविधा मिल जाए बिहार के अंदर तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक प्लास्टिक पार्क योजना है जिसमें 32% सब्सिडी भी है। मगर दुख की बात यह है कि जो हमारे जिला के अंदर उद्योग भवन होता है उसके अंदर इतनी हार्ड वर्किंग डॉक्यूमेंट को मांगा जाता है वो ना पूरा होता है, ना राधा का नौ मन तेल हो ही है, ना होगा, और उसी आदमी को ये लाभ मिलता है। मैं आज से तकरीबन 15 साल पहले, मैं किसी अफसर के पास, मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, जो ऐसे IAS रैंक आदमी थे जो हमारे गुरुदेव भी हैं, उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा कि आप क्या काम करते हैं। मैंने प्लास्टिक का काम करता हूँ, तो यहाँ से मैं कोटेशन बना के ले गया फैक्ट्री का, उनका दूध और घी और रसगुल्ला वगैरह आइसक्रीम वगैरह का काम है, क्योंकि पेकन की मटेरियल तकरीबन दिल्ली से 5 करोड़ रुपए का सालाना जाता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं तैयार करूं। हाँ, मगर हम ही आपको देंगे। हाँ, कोटेशन बनाया, उन्होंने मेरा हेल्प किया, मैं दिल्ली आया और यहाँ से सारी मशीनरी भी चली गई। मगर इत्तफाकन मैं पॉलिटिक्स में लगा हुआ था उनके साथ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया पॉलिटिक्स में, उसके बाद सारी बिखराव आ गई और वो मशीन अब तक वहाँ है बेगूसराय बिहार में पड़ा हुआ। कितना का मशीन लगाया? तकरीबन जो है 25-26 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। और ये प्लास्टिक का काम जो है बेगूसराय में भी हो रहा है, पटना नाला रोड में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में बेला में हो रहा है, मगर जो सरकार हमारी गवर्नमेंट जो चाहती है कि हम लोग जो है यहाँ हजारों के हजार लाखों के लाख अपने ज्ञान से मजदूरी और मेहनत से जो यहाँ का हम उद्योग चला रहे हैं जिसका बेनिफिट हमको बिहार को नहीं मिल रहा है वो यहीं रह जा रहा है। अगर इस उद्योग को हम वहाँ चलाएं तो समझिए कि बिहार आपसे लोग को यहाँ पलायन बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसमें अभी क्या डालें ये बताइए थोड़ा। ये चिकन चंगेजी बन गया है, देखिए अब ये मसाला तैयार हो गया है। पहले आपने सरसों तेल डाला? जी, सरसों का तेल डाला, इसमें प्याज डाला, कितना प्याज डाला, अदरक लहसुन डाला, तकरीबन इसमें 1.25 किलो प्याज है। चिकन कितना है? चिकन जो है हमारा 3 किलो है और गरम मसाले साबुत डल गया है। डल गया है हाँ।
चिकन को पहले हाफ फ्राई किया आपने। हाँ, अब इसमें चिकन डालेगा। डालिए भाई, आ जाओ भाई। अपने बारे में बताइए, आप कैसे आए दिल्ली, कब आए? देखिए चिकन डल रहा है, इधर से दिखाइए जरा। हाँ, ये आराम से डालिएगा तेल में बाहर। सर मैं 1992 में 6 दिसंबर को यहाँ आया, जिस दिन मस्जिद टूटा था बाबरी, पूरे दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ था। उसी दिन मैं यहाँ जो है पुरानी दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस से उतरा। महानंदा से जी, एक दिल में उम्मीद लेकर के दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ करूँगा। आज तेज कर दो थोड़ा सा। गरीब परिवार का हूँ, जब तक प्रदेश नहीं निकलूंगा, कारण के जो पासमानदा हम मुसलमान हैं, पिछड़ा हुआ, इसके पास इतना संपत्ति नहीं है को बिहार में रहकर कुछ कर सके, ज्यादा नहीं कमाना और खाना है। 1992 को सर जब मैं यहाँ आया तो पहाड़ी पे एक हमारे मित्र रहते हैं नौशाद जी। कौन पहाड़ी थे? पहाड़ी धीरज, सदर बाजार। सदर बाजार ना जी। अच्छा। वहाँ उतरा मैं 6 दिसंबर को, इतफाकन कर्फ्यू लगा हुआ था, मगर उस कर्फ्यू के अंदर जो है मैं नबी करीम कहाँ कहाँ घूमा, कारण के पेट का पीड़ा जो होता है ना वो किसी भी दर्द को भुला देता है। तो आप 92 में दिल्ली आए, फिर क्या हुआ, कहाँ पे? यहीं पे सदर बाजार में। सदर बाजार में आया सर, छुप छुपा करके 2-3 दिन तक एक एक ब्रेड खा खा करके मैं रहा, कारण के रोटी भी नहीं मिल रहा था। किसी दिन 2 ब्रेड मिल जाता था, किसी दिन कुछ मिल जाता था। एक वहाँ पे भारत प्लास्टिक है, उनके यहाँ मैं पहले उतरा। बहरहाल उन्होंने शरण दिया मुझे, उन्होंने ये नहीं देखा हिंदू या मुसलमान, तो हालात था उस टाइम में। अच्छा, वो हिंदू थे वो? हाँ, भारत प्लास्टिक सोमानी वाले हैं। अच्छा, उन्होंने शरण दिया, उन्हीं के यहाँ मैं रुका। उसके बाद 550 रुपये में मैं उनके यहाँ काम पर लग गया, सिर्फ 550 रुपये में। और 2 बजे रात तक काम करते थे हम, तो डबल डिप्टी मिलता था, तो खा पी करके 500 रुपये बचा करके मैंने घर भी अपने माँ को भेज दिया। उसके बाद कर्फ्यू टूटा तो मैं बेल्ट का कारीगर था, बेल्ट बनाते थे, चमड़ा का बेल्ट बनाता था। ये वाला? जी जी। तो मुझे भी दीजिए एक। तो मैं इसका कारीगर था, उसके बाद जो है मैं ढूंढते ढूंढते इसका काम ढूंढा, मगर बैक साइड से मजबूत नहीं होने के कारण सब नौकरी करते रहे। अच्छा। इधर आकर के लॉकडाउन के बाद एक हमारे यहाँ दिल्ली के मित्र हैं मोहम्मद आसिफ भाई, जिनका हम पे बहुत करम हुआ, उन्होंने 5-10 लाख रुपये की संपत्ति जो मशीन है वो मुझे उधार दिया, बोला कमा कमा के मुझे पैसे देना। क्या बात। मैं 50,000-25,000 करके उनको कमा कमा करके दे दिया, और अभी उनका मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी है, अब भी बहुत सपोर्ट करते हैं। रहते हैं वो? इंदर लॉक में रहते हैं। बुला के लाइए, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत सुशील लोग, बहुत लोगों को उन्होंने बिहार वाले को मदद करा, मुझे ही नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं वो? यहीं के रहने वाले हैं, इंदर लोक के रहने वाले हैं। अच्छा। तो सर उन्होंने दिया मुझे मशीन और मैं कमा कमा के दे दिया उनको, और आज मैं करखंदार और एक छोटा सा करखाना का मालिक बन गया, जो 4-5 लेबर खट रहा है मेरा। 4-5 लेबर का मैं कम से कम काम तो दे सकता हूँ, और मैं खुद काम करता था, तो अब मैं बैठा रहता हूँ, अपने काम मार्केट देखता हूँ सर। तो इस तरह सर हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो कब तक काम किया आप? सर ये लॉकडाउन के तक हमने काम किया, अभी 2 साल पहले। अच्छा। काम करता रहा, नौकरी करता रहा सर मैं। 3 साल पहले तक जी, लॉकडाउन के बाद। तो 2020 में कितनी तनख्वाह मिली आपको? सर मुझे 10,500 रुपये मिलता था। अच्छा। तो मैं डबल करता था, रात में भी 6 घंटा, दिन में भी 6 घंटा, तो 20,000 रुपये हो जाता था। जिंदगी जीने के लिए सर इतना महंगा शहर में तो 10,000 रुपये कुछ होना नहीं है, मगर दिल में पीड़ा था कि जिंदगी के लिए संघर्ष करना है, तो मैं काम कर रहा था सर। और आज काम करिए, चिपक रहा है। देखिए चिकन चंगेजी भी देखते जाइए, जरा दिखाइए अमर कहाँ तक पहुँचा। बस अब इसमें मसाला डल जाएगा सर, नहीं और मसाला लगेगा। खाना बनाते बनाते जीवन की यात्रा भी समझना जरूरी है, और मैं भी थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। और जीवन में सेकुलरिज्म क्या होता है पहले? हाँ, नहीं, ये क्या डालिए? ये देखिए क्या क्या है बताइए इसमें। सर काली मिर्च है, धनिया का और मिर्ची का पेस्ट है, हल्दी का पेस्ट है सर, ये पाउडर। हाँ सर, काली मिर्च है जी सर, काली मिर्च। जीरा नहीं है? हाँ सब चीज़ है उसमें सर, दोनों चीज़ है। पिसा आपने कि रेडीमेड है? नहीं नहीं, पिसा मैंने अभी मिक्स। अच्छा, पिसा है आपने? हाँ। क्या बात है, डालिए। चलिए, ये आपका डला मसाला, इसमें टमाटर दही पड़ेगा आप? हाँ, अब टमाटर दही थोड़ा देर के बाद जब मसाला ये भुन जाएगा पूरा, जब पड़ेगा, बल्कि खुशबू आना आपको तैयार हो गया है, दिखाइए जरा सा, एकदम कलर पकड़ रहा है पूरा। लहसुन अदरक पहले ही डाल दिए थे ना जी। और ये जो चिकन चिंगेजी है आप खा लीजिए, कितना भी सर्दी है आपको सर्दी रात में नहीं लगना, ये तो पक्का वादा है। अच्छा जी, इसका बनाने का उसमें जो मटेरियल डलता है। पूरा वीडियो देखिए, कम से कम आपके दिखने से
अम्बेडकर नामा के लिए एक एक किलो चिकन का पैसा आ जाना चाहिए वीडियो पे, एक किलो चिकन हाँ। अभी अभी इसके अंदर पेस्ट डालेगा काजू का और बादाम का पेस्ट डालेगा, अच्छा, जो काफी कैल्शियम वाली चीज है। अब और कितना भी सर्दी हो आप इसको खा लीजिए, अब रात में रजाई नहीं हो रही है। चलिए कौशर भाई की जीवन यात्रा पे बात कर रहा हूँ और साथ में चिकन चंगेजी बन रहा है। बन रहा है। तो आपने मजदूरी से शुरुआत की, अब फैक्ट्री आ गया। जी सर अब तो आ गया है। बिहार जाना चाहते हैं? अपने अपने राज में कौन नहीं जाना चाहता है सर, आपने तो ऐसी बात कह दी सर कि दिल में जो है आंसू आँख से आ जाएगा। कौन नहीं चाहता कि मैं अपने मातृभूमि पर रहूँ, मगर जो स्थितियां हैं वहाँ की उसकी बहुत बड़ी परेशानियां हैं कि कोई है तो राजा भोज, कोई है तो गंगू तेली। अभी, अभी तो सरकार ने नौकरी बांटी है, वो 1.5 लाख नौकरी दी है। नौकरी बांटी है ठीक है, आप क्या चाहते हैं बिहार सरकार? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ के जो प्रवासी मजदूर है तकरीबन मैंने समझ लीजिए 60-70 लाख के करोड़ों है, उसके लिए क्या हो रहा है। जो हमें लोग गाली देते हैं अनेक राज्य में, अनेक राज्य में हमें लोग नीच नज़र से देखते हैं, जबकि हर चीज़ को बनाने में, दिल्ली को मेट्रो सिटी बनाने में हम बिहारी का हाथ है। हमने मेट्रो सिटी को बनाया है और ये यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो थी हमारी, उन्होंने कबूला इस बात को, शीला दीक्षित थी। अच्छा उस समय? हाँ बिल्कुल उन्होंने कबूला। जरा दिखाइए चिकन चंगेजी, जरा कलर देखिए क्या डाले इसमें कौशर भाई? इसमें सर टमाटर डल गया है, ये टमाटर भुजाने के बाद सर दही डलेगा। अच्छा बिल्कुल, ये माने के समझ लीजिए 75% तैयार हो चुका है। अच्छा चिकन चंगेजी इसको क्यों कहते हैं सर? ये चिकन चंगेजी ये कहता है कि इसका थोड़ा सा जो एक्चुअली ये मसाला जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। अच्छा हाँ, चंगेज खान यही खाता था? चंगेज खान यही खाता था इसलिए नाम पड़ा। हाँ और इसके अंदर गर्मी है सर, आप सर्दी में भी खा लीजिए तो आपको रजाई उड़ने की जरूरत नहीं रहती। तो इसमें और क्या डालेंगे? अब इसमें सर फ्रूट डलेगा, काजू और किशमिश का पेस्ट। हाँ दिखाइए जरा, ये तैयार होकर रखा हुआ है, ये सर तैयार होकर रखा हुआ है। ये काजू किशमिश? हाँ ये काजू किशमिश है सर, ये डल गया इसमें। लीजिए जरा चम्मच लाना छोटा वाला भैया। भैया वो काजू किशमिश खा के ही इसमें डाल के तभी चंगे छा यहाँ सब पिटाई करता था। हाँ इसको निकालिए थोड़ा सा। वाह तो बिहार सरकार से आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि वहाँ उद्योग लगे, जो हम बाहर यहाँ काम कर रहे हैं हमारे मजदूर हैं। थोड़ा सा गैस कम करिए। कम कीजिए। कम कीजिए। हाँ मैं सर जब देखने जाता हूँ किसी फैक्ट्री के अंदर तो 15 साल का 12 साल का 14 साल का बच्चा जो शिक्षा का लिए होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, वो यहाँ काम कर रहा है हमारे बिहार का। अच्छा। ऐसा स्थिति हमारे बिहार का क्यों है? देखने वाली बात है कि और राज्य के बच्चे यहाँ नहीं मिलते हमें, बिहार के मिलते हैं। बिहार के बच्चे मिलते हैं और मेरे दिल में, मैं कई बार इस चीज़ के लिए कॉल भी कर चुका हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे, जो PM आवास है। अभी राजस्थान के अंदर जो है 355 बच्चे कुछ दिन पहले पकड़ाया था जो बिहार के थे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार के लोग जो यहाँ नहीं आए, आए परसेंटेज कम हो। IAS हैं, IPS हैं, हमारे दिल्ली के जो अभी मेट्रो इसके ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज हैं वो भी हमारे बिहार के हैं, ताज हसन जी बेगूसराय के रहने वाले हैं, तो आए। मगर आ करके ऐसा नहीं, हम लोग के साथ जो शोषण होता है, आज हमारे बच्चे जो काम कर रहे फैक्ट्री के अंदर सब नशा कर कर करके कोरस का बोतल पी करके, जिस फैक्ट्री में जाइएगा सर जीना के ऊपर 10-15-20 बोतल कोरस का फेंका हुआ मिलेगा। मैं देख करके बीड़ा लेकर रो करके मैं रह जाता हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ अपने बिहार के लिए, मगर मजबूरी है ये। तो आपको मान लिया, कितना आपको पैसा अगर मिल जाए जिससे आप बिहार में सेटल हो जाए? सर मुझे तो 40-50 लाख रुपये मिल जाएगा, मैं वहाँ अपना कारोबार करूँगा और 50 आदमी का काम दूंगा मैं बिहार में। बिहार में 50 लाख में हो जाएगा? हाँ 50 लाख में 50 आदमी को काम दूंगा मैं। तो अगर मान लिया कि 1,000 आदमी को 50-50 लाख रुपए दे दिए जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक एक आदमी 50-50 लोगों को काम देगा? बिल्कुल सर बिल्कुल देगा। आप टैक्स भी देंगे वहाँ पे? सब चीज़ देंगे हम, हैं? हम सब चीज़ देंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार के जो प्लान है जो प्रवासी मजदूर वो रुक जाए, ये सबसे बड़ी बात है। 50 लाख में काम शुरू कर देंगे? हाँ बिल्कुल शुरू हो जाएगा हमारा। पक्का? हाँ। तो बिहार सरकार से यही अपील करना है कि ऐसे लोगों को 1,000 लोगों को 50-50 लाख रुपए दिए जाए। बिल्कुल यही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब तक चिकन चंगेजी बन गया आप? हाँ जी चंगेजी भी तैयार है और इसमें मोहब्बत का रस मिला हुआ है हम सभी भाइयों का, तो अपने आप टेस्ट बढ़ जाएगा।
अब मेटकर नामा पे जा रहा है इसकी खुशबू, और जो जो भाई इनको देखें जरूर कमेंट करें इसके बारे में, और हम लोग के बारे में भी सोचें कि नहीं वो पैसा गया। इतना वीडियो जरूर देखें कि एक किलो चिकन का पैसा अम्बेडकर नामा में आ जाए। हाँ बिल्कुल आ जाए, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या डालेंगे इसमें? अब सर इसमें डालेगा दही। आ गया लाओ भाई दही, कहाँ है? अभी डला है, बाद में? नहीं अभी डलेगा दही इसमें। चलो लाओ दही, कहाँ है? तो अभी तो तेजस्वी यादव तो नौकरी बांटे हैं नीतीश कुमार जी सब लोग मिलकर, ये 1.5 लाख नौकरी दिए हैं शिक्षकों की। जी सर। तो व्यवसायियों को बुलाना चाहिए, इसमें बात करें। नौकरी उन्होंने दिया वो अच्छी बात है, मगर हमारे यहाँ उद्योग क्या है ये बताइए पहले। अच्छा। हमारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा पहला मास्टर प्लांट जो है तेलसोदक है, रिफाइनरी, उसके अंदर हमारे वर्कर नहीं है। कितना दही डालना है? देखिए आधा डालिए इसका, आधा से कम डालिएगा, बस छोड़ दीजिए दही हटाइए। तो सर उसमें वर्कर नहीं है, अगर है भी तो बड़े बड़े जो हमारे भूमियार भाई हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, को ओपनली कहता हूँ, मुझे डर नहीं है, ओपनली कहता हूँ, जो बड़े बड़े भूमियार भाई हैं वो ठीका पर लेकर के ठेकेदार से काम करवाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट वो लेते हैं। चलिए इसको मिलाया जाए जरा सा, मगर जो हमारे लोग हैं वो कहाँ मिल पाते हैं। ट्रेन माने में दुर्गति देखिए हमें, बस माने में दुर्गति देखिए हमें, हर जगह हम लोग मजबूर हैं। तो चंगेज खान यही चिकन खाता जी? ये चंगेज खान की चंगेजी है। अच्छा बिल्कुल। तो आपने कहाँ सिखाई है सर? ये बारे में एक साहेब चंगेजी वाला था, उनके यहाँ बनता था तो मैं खाने के लिए जाता था उनके यहाँ, उन्हीं के यहाँ देख देख करके सीखा कैसे बनता है ये। अच्छा ये हिंदू राव बारे में? जी जी, जी। पीछे मेरे घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे। जी कभी आप आए तो बारे में 24 घंटा खाना मिलता रहता है। जी जी। नहीं हाँ 24 घंटे। अब कितने देर पकाएंगे इसको? सर ये 15 मिनट के अंदर तैयार है। 15 मिनट के अंदर? हाँ सर तैयार है, सिर्फ दही का। चलिए फाइनल जो है हम लोग देखेंगे। और ये कौशर भाई की बात थी, बहुत संघर्ष की दास्तान है। अगर बिहार में 1000 व्यवसायियों को 50-50 लाख रुपए दे दिए जाए तो कम से कम हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, लाखों लोगों को सर, लाखों लोग मिलेगा उसको, और ये सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा, और सारे लोग वापस भी चले जाएंगे। एक बात मैं बताऊं सर कि बंगाल से कुछ लोग हैं जो हमारे बेगूसराय बिहार पटना मुजफ्फरपुर में आकर के साइकिल से फेरी का काम करते हैं। ये लोग सिर्फ प्लास्टिक का जो उद्योग से सामान निकलता है वह सामान को बेच करके लाखों लाख बंगाल के लोग आकर के यहाँ अपना परवरिश कर गुजर करते हैं बिहार में आकर के। तो हम जिस लेन से आते हैं और विद्वान ज्ञान और मेहनती से बिहारी से ज़्यादा तो कोई है नहीं, ये बात तो आप जानते ही हैं, और हमारे नीतीश कुमार जी भी जानते हैं, और माननीय तेजस्वी यादव जी, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहाँ उद्योग लगे, उद्योग लगे, ताकि हमारा जो दुर्गति है, लोग गाली बकते हैं हमें, दूर से नीच नज़र से देखते हैं, वो बिहारी इधर आ। मैं कई बार लड़ गया और अब भी मेरे बिहार के लोगों के साथ कहीं अन्याय होता है तो मैं वहाँ पर खड़ा होता हूँ। लेकिन आप दाढ़ी रखे तो आपको तो मुसलमान समझ कर भी सब ये करता होगा, मुसलमान धमकाया कभी नहीं? धमकाया तो गुड़गांव वाला बताया था, मैंने धमकाया आपको मगर मुसलमान होने से पहले मुझे एक इंसान होना ज़रूरी है, और अपने समाज का और अपने राज के लोगों के साथ यहाँ जब अन्याय होता तो मैं आवाज़ बहुत सारा उठाता हूँ। किसी को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, किसी का पैसा कोई नहीं दिया, किसी को कोई मारा, तो हमेशा सर खड़ा रहते हैं। वो तो हम जानते हैं, वो जानते हैं। ये कौशर भाई हैं, इनसे खाली सुनिए नहीं सीखिए भी। और ये अभी ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, और ये चंगेज खान यही चिकन खाता था ड्राई फ्रूट के साथ। बन गया? हाँ बस सर 10-5 मिनट में तैयार हो जाएगी। चलिए तो चिकन चंगेजी तैयार है। कौशर भाई ज़्यादा काम किए, मैं बैठ के सहयोग कर रहा था सर, और इतनी संघर्ष की यात्रा है। मैं आपको जीवन में एक बात बताता हूँ, मैंने अपने किताब में लिखा था कि सेकुलरिज्म मैंने अपने गांव में सीखा है, और जब मैं दिल्ली आया था घर से भागकर पढ़ने के लिए तो 1 महीना मेरे गांव के इस्माइल चाचा ने खाना खिलाया मुझे, अपने घर पे रखा और पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेज घुमाया। उन्होंने मुझे दिखाया PGDB कॉलेज पहले, उसका JNU ले गए,
और मैंने किताब में उनको थैंक्स किया है, इस्माइल चाचा आप देखेंगे अगर काशी प्रसाद जसवाल पर मेरी किताब है, मैंने उन्हें शुक्रिया किया कि आपकी वजह से मैं ये सब सीख पाया। आज कौशल भाई मेरे साथ हैं, लेकिन जब इस्माइल चाचा को पार्लियामेंट में ले गया था मैं अंदर घुमाने, तो बहुत खुश हुए, बोले कि चलो कुछ नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर तुमने मुझे दिखा दिया तो मेरा मेहनत सफल हो गया। कौशल भाई हैं और चिकन चंगेजी तैयार है, कौशल भाई निकालिए ज़रा। बिल्कुल तैयार है सर। और इनका नंबर मैं शेयर करता हूँ, मॉडलिंग का काम क्या करते हैं फिर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, छोटा सा पीस दीजिए मुझे, मैं बहुत कम खाता हूँ। दो पीस आ गया, एक ही खाऊंगा मैं, एक हमें डाल दीजिए बस। वाह, चम्मच देना भाई। ओ शानदार, देखिए इसमें चंगेजी बन गया है, लेकिन इसमें तेल और मसाला आपको नजर नहीं आएगा, बहुत कम है सर। हाँ बहुत कम ही डाला हूँ तेल मसाला। हाँ बहुत शानदार। तो कौशल भाई आप जो काम करते हैं एक बार मेरे दोस्तों को बताइए, मैं आपका नंबर थंबनेल में शेयर कर दूंगा जी सर, ये कोई भी आपके काम के लिए संपर्क करना चाहें तो आपसे मिले। सर मैं प्लास्टिक का मोल्डिंग मशीन का काम करता हूँ। अद्भुत, क्या बात है। जो लेबर जॉब का काम है सर, हम डाई चलाते हैं और मशीन का भी खरीद बिक्री का हम काम करते हैं, सेल्फ परचेज का। अच्छा। हाँ यदि किसी भाई को जरूरत है तो मिलते हैं हमसे, और मैं बहुत सहयोग करता हूँ आपको भाई के। बिल्कुल ठीक है सर। टेस्ट अद्भुत, बाजार में जाएंगे खाने ना तो खाली ऊपर से तेल आपको नजर तेल ही भरा हुआ मिलेगा जी सर, तेल मैं बिल्कुल नहीं डाला हूँ, नाम का डाला हूँ। अद्भुत। और बताइए आपका नंबर डाल दूँ, कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करेंगे? हमारे नंबर संपर्क कर लेंगे सर, और काम के अलावा भी मैं बिहार का हूँ, यदि मेरे लायक कोई काम हो किसी बिहार वाले भाई को तो मैं उसके लिए भी तैयार रहता हूँ। धन नहीं है मगर तन है मेरे पास, क्या बात। हाँ उसके लिए भी मैं तैयार रहता हूँ हमेशा, और कर तन और मन। हाँ तन और मन करके मुझे बहुत आनंद मिलता है, जब किसी मानवता का सेवा करता हूँ मैं तो ऊर्जा मुझे इतना मिलता है जो किसी इबादत में नहीं मिलता है। फैंटास्टिक टेस्ट है, मज़ा आ जाएगा। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए और सीखिए कैसे बनाया गया है, और मज़ा आ गया पूरा। हमारे कई सारे दोस्त आए हैं आज, उनकी दावत है, और कौशल भाई आए हैं, कौशल भाई का शुक्रिया। कौशल भाई का नंबर मैं आपको शेयर करता हूँ, कोई भी इनके काम से संबंधित कोई भी काम हो तो कौशल भाई को ज़रूर आप याद कीजिएगा, जरूर दिखाएगा। कम से कम एक किलो चिकन का पैसा वीडियो देखने से अमेरिका को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चावल वल्ला है, चावल रोटी सलाद और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। शुक्रिया कौशल भाई। ठीक, शुक्रिया सर। चलिए अम्बेडकर नामा किचन विशेष, देखते रहिए।